अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट से पेजेस को डाउनलोड करेंगे, उन्हें स्टैटिक पेजेस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उन स्टैटिक पेजेस को मोनाका वेबसाइट पे अपलोड करके मोबाइल एप्लीकेशन को जनरेट करेंगे। ये हमारा आज का कंटेंट है। तो जो स्टैटिक पेजेस बनाने के लिए वेबसाइट है उसका नाम है WinHTTrack। इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया था कि इंस्टॉलेशन कहाँ से करनी है डाउनलोडिंग करने के बाद। स्टैटिक वेबसाइट कन्वर्ट करने के बाद हम उसको चेक करेंगे और फाइनली हम उन फाइल्स को मोनाका वेबसाइट पे अपलोड करके APK जनरेट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 पेजेस की वेबसाइट बनाई थी, जिसमें हमारे पास होम था, प्रोडक्ट थे 3 और अबाउट अस का पेज था। मेरी और आपकी वेबसाइट में ये अबाउट अस का पेज कॉमन होगा, जिसमें आप सबसे पहले अपनी पिक्चर देंगे, उसके बाद आप अपना नाम देंगे, रोल नंबर देंगे और सेक्शन को मेंशन करेंगे। तो अबाउट अस के पेज के ऊपर आपकी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो localhost/wordpress ये लिंक है, तो आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने WinHTTrack सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ क्रिएट करूँ ऐप। उसके बाद आपने लिंक को पेस्ट कर देना है और आपने ऑप्शंस के अंदर जाना है। स्कैन रूल्स ऐसे ही रहने देने हैं, लिमिट्स भी ऐसे ही रहने देनी है, फ्लो कंट्रोल भी ऐसे ही रहने देना है। लिंक्स के अंदर आप गेट नॉन HTML फाइल्स रिलेटेड टू लिंक, इस पर टिक कर देंगे। बाकी 2 ऑप्शंस को आप रहने दें, बिल्डर को आप ऐसे ही रहने दें। स्पाइडर में जब आप आएंगे तो आपने जो चेक डॉक्यूमेंट टाइप है इसको नेवर कर देना है और नो रोबोट रूल्स को आपने क्लिक कर देना है। बाकी चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है और ओके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, आपसे ये पूछेगा कि क्या डाउनलोड करने के बाद शट डाउन करना है PC को। इधर आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। फिनिश करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट को स्कैन करना शुरू कर देगा और वहाँ से जो भी कंटेंट है वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा। CSS, फॉन्ट फाइल्स, HTML फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, आप वो सारी आपके एक लोकल कंप्यूटर के फोल्डर में डाउनलोड कर रहा है। जब टास्क कंप्लीट होगा तो आपको इस पेज पे ले आएगा, आपने इधर फिनिश कर देना है। अब आपने अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में आना है, उसके बाद आपने माई वेबसाइट पे आना है, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ऐप उस पर आपने आ जाना है। आपने इंडेक्स को ओपन कर लेना है। तो अब आपकी ये वेबसाइट लोड हो गई है। अब आप देखेंगे कि ये इस वेबसाइट का लिंक और जो ये वेबसाइट का लिंक है वो फ़र्क है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के फोल्डर में से लोड हो रही है। तो प्रोडक्ट पेज पे आना है, आपने नेस्ले पे क्लिक करना है, तो ये नेस्ले का लिंक भी आपके कंप्यूटर से लोड हो रहा है। फिर आपका जो प्रोडक्ट के तमाम पेजेस को आपने चेक कर लेना है, उनके लिंक्स आपके लोकल कंप्यूटर जिसमें सी ड्राइव, माई वेबसाइट, ऐप, ये वाला लिंक, इस लिंक से फ़र्क होना चाहिए। तमाम पेजेस के लिंक्स को आपने चेक कर लेना है। दूसरा आपने ये करना है कि अपने ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करके देखना है कि वो मोबाइल व्यू के अंदर सही तरीके से वेबसाइट को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई मसला आता है तो आप थीम चेंज करके इस सारे प्रोसेस को दोबारा करें, लेकिन ये जो मैंने थीम किया है ये मोबाइल एप्लीकेशन के व्यू के अंदर सही काम कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और ये अब जो मेरे पास फाइल्स हैं वो बेसिकली इस लोकल होस्ट फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो गई हैं, लोकल होस्ट के अंदर वर्डप्रेस, और ये मेरे पास वो फाइल्स हैं जो मैंने एप्लीकेशन के लिए अपलोड करनी है। जब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है या जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे जो पहला पेज लोड होता है उसको हम कहते हैं index.html। तो ये आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट का स्टार्टिंग पेज होगा। ये जो भी इसने मटेरियल डाउनलोड किया है अब इसी को हम मोनाका की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। हमारा दूसरा टास्क जो है वो है कि हमने
मोनाका वेबसाइट के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है। हम ये करेंगे कि हम पहले मोनाका वेबसाइट को ओपन करते हैं, monaka.io। इधर हमने साइन अप पे जाना है और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं सिंपली इससे लॉगिन कर लेता हूं। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड पर ले आएगा। यहाँ एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होगा, आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे, आपने सैंपल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है जो टेस्ट एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे ये डेमो एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट के नाम को आप दे दें जी माई हाइब्रिड एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन कुछ दे दें और इसको क्रिएट कर लें। तो आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी ओपन आईडीई इन क्लाउड। तो यहां पे आपके www फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, जिस तरह कॉम्पोनेंट सीएसएस, फोन गैप डेमो, इंडेक्स फोन गैप डेमो, ये फाइल जो है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को बनाती हैं। इसका प्रीव्यू आपको ये राइट साइड पे शो हो रहा है, जो ये हेलो वर्ल्ड स्टार डेमो लिखा हुआ है। तो अभी जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है उससे आपकी ये वाली एप्लीकेशन बन रही है। आपने www फोल्डर के अंदर जो मटीरियल है कॉम्पोनेंट से लेके फोन गैप तक, इसको डिलीट करना है। ये जो मेन रूट के अंदर फाइल्स हैं, गिट इग्नोर, मोनाका इग्नोर, कॉन्फिग, लाइसेंस पैकेज, इनको आपने छेड़ना नहीं है। आपने सिंपली www फोल्डर के अंदर जो कंपोनेंट फाइल है इसको पहले डिलीट कर दिया, सीएसएस फाइल को डिलीट कर दिया, फोन गैप फाइल को डिलीट कर दिया, इंडेक्स को डिलीट कर दिया और अगेन फोन गैप डेमो को आपने डिलीट कर दिया। इसके बाद आपने www फोल्डर पर आना है और यहां पे आके आपने अपलोड फाइल्स पे आ जाना है। जब आप अपलोड फाइल्स पे आएंगे, आपने इस फोल्डर के अंदर लोकल होस्ट वर्डप्रेस, जो आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हुई हैं फाइल्स, स्क्रीन को मिनिमाइज करके इधर आपने सिलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल ए दबा के सारों को सिलेक्ट कर लेना है और इन फाइल्स को ड्रैग करके इस जगह लाके पेस्ट कर देना है। ये आपको मुख्तलिफ एरर्स देगा, अभी आपने इनको इग्नोर कर देना है और जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। जब आपको मैसेजेस आना बंद हो जाएं कि फाइल अपलोड हो रही है या फाइल डिटेक्शन का एरर आ रहा है, ये मैसेजेस आना बंद हो गए हैं, तो आप इस पेज को रिफ्रेश कर लें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो यहां पर शो होना शुरू हो जाएगी, ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बन गई है वर्डप्रेस से। अब आपने इसके बाद बिल्ड पर आना है और बिल्ड ऐप फॉर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। तो आपसे ये कुछ सेटिंग्स पूछेगा, डीबग बिल्ड करना है कि कस्टम बिल्ड करना है। आप सिंपली इसको जो डीबग बिल्ड है वही रहने दें और स्टार्ट बिल्ड पे क्लिक कर दें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा कि ये एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क तो आपके पास डाउनलोड का बटन बना आ जाएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है तो अब ये आपसे डिप्लॉयमेंट की ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने डिप्लॉय किससे करना है। आप डाउनलोड टू लोकल पीसी पे क्लिक करें
तो ये APK फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। जो हम मोनाका का वर्जन इस्तेमाल करें ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन के अंदर हमारे पास इसके डैशबोर्ड के अंदर प्रोजेक्ट्स की लिमिट है कि हम शायद 2 या 5 से ज़्यादा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। फिर हम 1 घंटे में एक दफ़ा एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बिल्ड करते हैं आपके पास और ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस फुल फंक्शनल नहीं है अनटिल अनलेस कि आप कुछ पे करें। आप आईफोन और विंडोज़ और PWA के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर इसके कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो फ्री वर्जन में लिमिटेड हैं, 1 या 2 ही प्लगइन्स काम करते हैं, बाकी इंटीग्रेटेड नहीं है। वो अगर आप पेड वर्जन लेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ये फ़र्क इनका पेड और फ्री वर्जन में है, लेकिन जो फ्री वर्जन है उससे आप APK बना के डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये कि ये अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आपकी जो डिप्लॉयमेंट है, अगर आपका प्ले स्टोर है, गूगल का प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है, तो इन सर्विसेज के जरिए डिप्लॉय गेट और एपिटाइज डॉट आईओ, इनके जरिए आप डायरेक्ट उन स्टोर्स के ऊपर अपनी इस एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं। अब मेरी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, तो मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा। और अब इस एप्लीकेशन को मैं वायर के ज़रिए, यानी मोबाइल को कनेक्ट करके किसी भी तरीके से, चाहे वायर्ड करें वायरलेस करें, अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। अब अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शो करूंगा जहां पे हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने अब एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे कॉपी कर ली है। इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, अपनी इंटरनल स्टोरेज में जाऊंगा, फिर जहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी है उसको जाके क्लिक करूँगा। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 2012 वाली एप्लीकेशन थी, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपसे ये ऐसी परमिशन मांग सकता है कि आपके पास अननोन सोर्सेज को इंस्टॉल करने की ऑप्शन नहीं है, तो वो सेटिंग्स में आके आप जाके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं मिल रहा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल से नहीं समझ आता तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। तो आप एक दफ़ा वो एनेबल कर लेंगे तो आप अननोन सोर्सेस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकेंगे। अब मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, तो पहले मोनाका लोगो शो होगा क्योंकि ये फ्री वर्जन था। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कैसी दिख रही है, मेन्यू भी सही काम कर रहा है। तो आप प्रोडक्ट्स पे आएंगे, प्रोडक्ट्स की ऑप्शन भी शो हो रही है। नेस्ले पे क्लिक किया, अबाउट अस पे क्लिक किया। आपका अबाउट अस ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी तस्वीर हो, उसके बाद नीचे आपका नाम शो हो और आपका क्लास सेक्शन शो हो। अबाउट अस में आपने अपना पिक्चर को, पहले आपकी पिक्चर है, फिर आपका नाम है, रोल नंबर है और आपका सेक्शन है। तो आप जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अबाउट अस के अंदर आपको ये टेम्पलेट फॉलो करना ज़रूरी है। इस तरह हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया। जो आपके क्लास टास्क के मार्क्स हैं वो आपको मिड तक तब लगेंगे जब आप ये मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके मुझे लाकर दिखाएंगे। जो स्टूडेंट रिलीजियस एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छी एप्लीकेशन होगी उसको मैं अपनी वेबसाइट जो कि डॉक्टर मुराद खान .com है, वहाँ पे डाउनलोड के लिए रखूँगा, क्योंकि उसके अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है हमें डेली बेसिस के ऊपर उनको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भी रिलीजियस एप्लीकेशन सबसे खूबसूरत बनाएगा और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छी बनाएगा, उसको मैं अपनी वेबसाइट पे उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ एक लिंक बना के शेयर करूँगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।